दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कौवा आपको कौन से ऐसे 14 संकेत देता है जो आपके लिए शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों कौवे को यमदूत माना जाता है और इससे जुड़े ज्यादातर संकेत अशुभ ही माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अक्सर अशुभ माने जाने वाला कौवा भी आपको लाभ दे सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको इससे कौवे से जुड़े 14 ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाला हूँ जो इस बात का सूचक है कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है। तो आखिर क्या है यह 14 संकेत, आइए हम सभी मिलकर जानते हैं। दोस्तों भाग्य बदलने से पहले कौवा वह कौन से 14 संकेत देता है? पहला है, शकुन शास्त्र में कौवे से जुड़े अनेक रोचक जानकारी और उससे जुड़े शुभ अशुभ के संकेतों के बारे में बताया गया है। यात्रा पर निकलते समय कौवे का दिखना। जी हाँ, अगर आप किसी लंबाई सफर पर जाने के लिए घर से निकले हैं और उससे पहले यह आपके आंगन या छत पर कौवा आ जाए और जोर जोर से बोलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। दरअसल कौवा का घर पर आना और यूं जोर जोर से चिल्लाना इस बात का इशारा करता है कि जिस भी काम के लिए आप घर से जा रहे हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों शकुन शास्त्र के अनुसार अगर कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो आपकी किसी अभिन्न मित्र से भेंट होने वाली है। वहीं अगर कोई नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घर से निकलते समय कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। कौवे का मिट्टी खोदना। अक्सर कौवा पेड़ पर बैठा जोर जोर से आवाजें निकालता है या फिर किसी चीज पर चोंच मारता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर कोई उसके विपरीत आपको जमीन खोदता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए जल्द ही आपका भाग्य चमकने वाला है। दरअसल ये इस बात का संकेत होता है कि लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान हो चुकी हैं और जब आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। इसके अलावा अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर ले आए तो यह अचानक धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। दोस्तों अगला है, रोटी खाता कौवा। यह कौवे से जुड़ा वह तीसरा शुभ संकेत है जिसके बारे में शकुन शास्त्र में बताया गया है कि इसके अनुसार अगर आप कोई रोटी या अन्न छत पर रखते हैं और उसे कौवा खा लेता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ भी हो सकता है या फिर कोई बड़ी सफलता भी हाथ लग सकती है। दरअसल कौवा का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और घर में सभी दोष दूर होने वाले हैं। कौवे का अंडा देना। आपने देखा होगा कौवा अक्सर घरों से दूर ऊंचे पेड़ों पर ही घोंसला बनाता है, लेकिन अगर यह आपके घर में घोंसला बनाता है और फिर वहीं अंडे देता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत होता है जिसके अनुसार आपके घर में बहुत जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। अगर आप संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं और आपके ऐसा कोई भी संकेत मिले तो समझ लीजिए आपके ने भगवान सुन लिया है, आपकी घर भी तिलकाइयों से गूंजने वाली है। कौवा का पानी पीना। हमारे धर्म शास्त्रों में पक्षी के लिए अन्न पानी रखने की बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। अगर आप भी अपने घर की छत पर घर के आंगन में पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और कौवा आकर उसे पी लेता है, यह इस बात का संकेत है कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। जोड़ों में कौवे का आना। जी हाँ, शकुन शास्त्र के अनुसार अगर कौवे का जोड़ा हमारे घर के ऊपर आकर बैठ जाता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि घर में जल्द ही किसी का विवाह होने वाला है। इसके अलावा घर के किसी की भी शादी न हुई हो तो भी शादी के लिए काफी अच्छा संकेत माना जाता है। प्रातःकाल कौवे का बोलना। आपने अक्सर दूसरी चिड़ियों को ही प्रातः चाय चाय चाह चाहते हुए देखा होगा, लेकिन इसके उलट कोई कौवा सुबह या फिर पूर्व दिशा में बोलता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में
किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। कौवा का पैर स्पर्श करना, जी हाँ, प्रातःकाल चहचहाने के अलावा कोई कौवा आपके पैरों पर आ जाए और आपके पैर को अचानक स्पर्श कर जाए तो इस बात का संकेत है कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है और आपकी उन्नति, फिर आपके धन की प्राप्ति होने वाली है। कौवा का पेड़ पर बैठना, अगर आप अविवाहित हैं और ऐसे में ठीक दोपहर से पहले आप पूर्व या उत्तर दिशा में पेड़ पर बैठे हुए कौवे की आवाज सुनते हैं तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना जाता है। तोरण पर बैठे हुए कौवा, मित्रों अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको दो कौवा तोरण पर बैठे नजर आए तो समझ जाइए कि आपके मनवांछित फल मिलने वाला है। कौवा का दाहिनी तरफ से निकलना, इसके अलावा शकुन शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि अगर कोई शख्स यात्रा पर जा रहा है और इस बीच कौवा उस शख्स की दाहिनी तरफ से निकलता हुआ उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाता है तो यह इस बात को दर्शाता है कि जिस काम से वह शख्स निकला है वह अवश्य ही पूर्ण होगा। और इसलिए कभी अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो समझ जाइए आपका कार्य पूरा होने वाला है। पानी के घड़े पर कौवे का बैठना, मित्रों अगर आज शुभ संकेत जो कौवा से जुड़ा है वह यह है कि अगर कोई स्त्री पानी का घड़ा लेकर चल रही है, इस बीच कौवा उस पानी के घड़े पर आकर बैठ जाए तो इस बात का संकेत होता है कि उस स्त्री का भाग्य बदलने वाला है। स्त्री को कोई सफलता मिलने वाली है या फिर खोई हुई धन की प्राप्ति होने वाली है। अगला है कौवा का वस्त्र लेकर उड़ना। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर कौवा अपनी चोंच से किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता नजर आता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, आप पर धन की वर्षा होने वाली है, फिर आपकी कोई पुरानी प्रबल इच्छा पूरी होने वाली है। कौवा के चोंच में रोटी का टुकड़ा, दोस्तों अगर रास्ते में चलते समय कौवा अपने मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए दिख जाए तो आपके लिए अच्छा संकेत माना जाता है। तो मित्रों यह थे कौवे से जुड़े 14 संकेत जो बताते हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है, आपकी खोई किस्मत अब जागने वाली है। दोस्तों इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप सभी को पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।